क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से PGDCA कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं PGDCA के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में PGDCA करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको PGDCA का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है PGDCA का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप PGDCA के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने PGDCA में पढ़ाई की है, तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप PGDCA के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से PGDCA कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने PGDCA की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको PGDCA की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें नोट्स हैं, वीडियोज हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है, जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन PGDCA की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 PDF फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, MS एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली है, मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स PGDCA का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल में ही PGDCA एग्जाम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि PGDCA के सिलेबस में क्या दिया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे URL और डोमेन नेम क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं URL के बारे में। URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट या वेब पेज के लिए जो उसका कंप्लीट एड्रेस, या हम कह सकते हैं सर्वर पर पाए जाने वाले किसी वेबसाइट का जो पूर्ण पता होता है वो उसका URL कहलाता है। ये किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाने का काम करता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेब सर्वर का, वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। किसी वेबसाइट का इसे हम अद्वितीय नाम या पता, जिससे उसे इंटरनेट पे जाना, पहचाना और उपयोग किया जा सकता है, इसे कह सकते हैं, इसका जो URL कहा गया है।
इसका फुल फॉर्म जैसे कि अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल के बीच में, सभी भागों के बीच में डॉट लगाकर इसे जोड़ा जाता है। केवल प्रोटोकॉल के नाम के बाद एक कॉलन और दो स्लैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा https://www.google.com/www.yahoo.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। तो ये जो कंप्लीट एड्रेस हम बता रहे हैं यहां पर, ये क्या कहलाएगा? इसका यूआरएल कहलाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं यूआरएल किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से भाग यूआरएल के होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है इसका एचटीटीपी। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये नियमों का समूह होता है। किस प्रकार के नियम? ऐसे नियम जिनके माध्यम से जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। HTTP के बाद आती है बारी WWW की, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और किस प्रकार से काम करता है। इसके बाद बारी आती है वेबसाइट के नाम की, जो कि गूगल, याहू या अलग अलग कोई भी वेबसाइट हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे .com की। .com क्या होता है? .com जो किसी वेबसाइट के यूआरएल के सबसे लास्ट में लगाया जाता है, वो कहलाता है उसका डोमेन नेम, जो यह दर्शाता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। और डोमेन नेम के बारे में और डिटेल में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब बात करेंगे डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम वेबसाइट के उद्देश्य को पहचानता है। जैसे यदि .com डोमेन नाम बताया गया है, तो यह एक व्यापारिक साइट है। इसी प्रकार लाभ ना कमाने वाले संगठन जैसे .org तथा स्कूल या विश्वविद्यालय जैसे कि .edu डोमेन नाम को उपयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डोमेन, कुछ ऐसे जो डोमेन होते हैं उनके कुछ नाम हम आपको यहां पर बताते हैं। जैसे .com जिसका उपयोग कमर्शियल वेबसाइट के लिए किया जाता है, .edu जो कि एजुकेशन की रिलेटेड वेबसाइट होती है, .gov यानी गवर्नमेंट वेबसाइट, MIL मिलिट्री वेबसाइट्स, .org ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जिनके बारे में हमने देखा कि ये डोमेन जो है ये बताते हैं कि वो वेबसाइट किस प्रकार की है और वो क्या काम करती हैं।